वेलकम बैक टू अन अकेडमी क्लैट. आई एम पूर्वा चौधरी एंड आज की वीडियो में वी विल बी एनालाइजिंग आवर पास्ट ईयर पेपर फॉर क्लैट 2023. क्लैट 2023 का पेपर हम एनालाइज करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स सेक्शन. वी विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल. हम समझेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसी ओवरऑल अप्रोच है, आपको कैसे न्यूज को टारगेट करना है और कैसे उसमें एक होलसम तरीके से नॉलेज पानी है. सो यहाँ पे है हमारा करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन एंड इसको हम एनालाइज करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसा आपको आउटपुट देना है, कैसी आपको पढ़ाई करनी है टू एक्चुअली एस दिस एग्जामिनेशन, राइट. तो हमारे पास यहाँ पे है अपना करंट अफेयर्स सेक्शन. पहले आप देख सकते हैं हमारे पास क्या एक पैराग्राफ है, एक पैसेज है, राइट. तो अगर पैसेज को एक बार थोड़ा सा लुक लेंगे, फॉर्मर गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू वॉज इलेक्टेड द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द पोजिशन एंड द यंगेस्ट एज वेल. तो एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट थी, राइट. सो प्रेसिडेंट नया आया है भैया, राइट. तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी न्यूज है और ऐसी न्यूज को बिल्कुल हम टारगेट करेंगे बिकॉज ये क्या है, अपॉइंटमेंट है ऑफ एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर, राइट. और इसमें कुछ ज्यादा पॉलिटिक्स पर से इन्वॉल्व नहीं है. आप एक बेसिक रीडिंग करके आइडिया तो हमें पता चल गया द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में है, ठीक है. अब एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट. चलिए, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन से पहले क्या लिखा है, एक्सर्प्ट टेकन एंड एडिटेड फ्रॉम द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द हिंदू. इसीलिए कहते हैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. चलिए, सो क्वेश्चन कह रहा है, द्रौपदी मुर्मू से पहले इंडिया हैड ओनली वन अदर फीमेल प्रेसिडेंट, प्रतिभा पाटिल. When did Patil serve as the President of India? तो अब यहाँ पे question बन सकता था who was the first female President? लेकिन वो easy है, वो हम सबको पता है, मतलब ये assume कर रहे हैं कि पता होगा, right? तो उसको घुमा दिया है, एक और aspect लिया है, date क्या थी, कौन से period से कब तक, so 2007 to 2012 option number A, right? तो अब देख रहे हैं कैसे करंट अफेयर से स्टैटिक पे शिफ्ट किया इन्होंने, कैसे करंट न्यूज से जनरल नॉलेज पे पहुंच गए और जो इनसे पहले फीमेल प्रेसिडेंट थी उनका कौन सा पीरियड था ऑफ सर्विंग प्रेसिडेंशियल शिप, राइट. तो ये आप देख रहे हैं कैसे वो इंटर रिलेट हो रहा है. हाउएवर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है प्रतिभा पाटिल जी के बारे में. सो ऐसा नहीं बच्चों वाला आपको पैराग्राफ दे दिया इसी में से आंसर निकल जाएगा, जी नहीं, इंटर रिलेटेड होगा. आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट मुर्मू हैज अर्लियर सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट. तो वो कौन सी स्टेट की गवर्नर थी, यहां पे लिखा है गवर्नर ऑफ अ स्टेट पर स्टेट मेंशन नहीं करी गई है, राइट. ठीक है, चलिए. तो अगर हम और पैराग्राफ में यहां ढूंढे कि अगर कहीं उनकी स्टेट का कुछ भी अगर बोला गया है तो यहां संथल ट्राइब बताया गया है, वॉज बॉर्न इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मयूरभंज, लेकिन स्टेट नहीं बताई गई है, राइट. क्लियर है, चलिए. और यहाँ पे बताया है कि फिर शी रिमेन्ड एन एमएलए टिल 2009 रिप्रेजेंटिंग रेरंगपुर इन ओडिशा, अ टाउन दैट बर्स्ट इनटू सेलिब्रेशन सिंस हर नेम वाज अनाउंस्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंटशिप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. तो यहाँ पे ओडिशा हमें मिल रहा है अगर हम स्टेट को देखें तो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए. यहाँ पे सही आंसर आएगा झारखंड, राइट. वो कहाँ की गवर्नर थी, झारखंड की, राइट. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ओडिशा देख के ओडिशा ले लेंगे, बट दैट वाज ओनली टू कंफ्यूज, राइट. द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड बाय द इलेक्शन. अब देखो पहले क्या पूछा कि द्रौपदी मुर्मू जी से पहले प्रीवियस कौन थी, फिर पूछ लिया फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब हुआ था, 1952 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे तब, राइट. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फटाफट से कॉमेंट करके बताओ. अच्छा जी, अब देखो प्रेसिडेंट के आसपास कुछ भी है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, प्रीवियस फीमेल प्रेसिडेंट है, कहाँ पे उनका रेजिडेंस है, तो राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड पूछा कि राष्ट्रपति भवन बना था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, राइट, वाइसरॉयज पैलेस जहाँ वाइसरॉयज रहते थे, लेकिन यहाँ पे बिफोर द राष्ट्रपति भवन वेयर डिड द गवर्नर जनरल रिसाइड बिफोर द ट्रांसफर टू दिल्ली. सो बिफोर द ब्रिटिश कैपिटल वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली इन 1911 गवर्नर जनरल कहाँ रहते थे, ये बोला गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज बेल्विडेर हाउस. अब यहाँ पे क्या आ गया, स्टैटिक जी क्या आ गई आपकी, तो बहुत ज्यादा इंटर रिलेट किया गया है. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट, एंड इसको हम छोड़ सकते हैं इफ वी डोंट हैव एनफ नॉलेज. आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन. अब
करंट पूछ लिया है, अब क्या पूछा है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से हटके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया है कि कैंडिडेट कौन थे भाई। दो कैंडिडेट्स थे, एक तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए मिस्टर जगदीप धनकर एंड द अदर वन वॉज मार्गरेट अल्वा, राइट। सो आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट के आसपास जो भी है, वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, द प्रेसिडेंट्स एस्टेट, कहाँ वो रहते हैं, राइट। तो ये सब बहुत ज़्यादा ही एक ओवरऑल अप्रोच से पूछा जाता है व्हेन इट कम्स टू योर करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब साथ साथ एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन कि वोटिंग किस प्रकार होती है, राइट। वोटिंग इन एन इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज थ्रू FPTP सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन अ सीक्रेट बैलेट। अच्छा जी, पूरा पढ़ना है ध्यान से। सीक्रेट बैलेट, PR, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PR, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओपन बैलेट, FPTP, सिंगल ट्रांसफरेबल ओपन बैलेट। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, राइट। FPTP सिस्टम तो हमारा कब होता है? जब हम इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से सीक्रेट बैलेट में, राइट। हु वाज द फर्स्ट दलित टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब हर एक एस्पेक्ट में पूछ लिया गया है, अब फीमेल नहीं पूछा है, अब फर्स्ट दलित पूछा है रिलेटेड टू द्रौपदी मुर्मू जी, एंड द करेक्ट आंसर इज कोचरिल रमन नारायणन। क्लियर है? परफेक्ट। आगे देखते हैं, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आपके और पैराग्राफ पूछे गए हैं। आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड दैट आई एम इन फैक्ट अ पर्सन। अब ये ला MDA क्या है? लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। अब ये अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे इस पैसेज को, वरना ये खिचड़ी लगेगा। बेसिकली AI की तरह है, राइट। सो ये क्या कह रहे हैं? आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड दैट आई एम इन फैक्ट अ पर्सन इन एन इंटरव्यू कंडक्टेड by engineer Blake Lemoine and one of his colleagues. Lemoine, a software engineer at Google, had been working on the development of LaMDA, whatever you call it, for months. His experience with the program described in a recent Washington Post article caused quite a stir. अच्छा, article के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। In the article, Lemoine recounts many dialogues he had with, ठीक है। तो basically एक इनडायरेक्ट स्पीच के तरीके से कि उस आर्टिकल में क्या लिखा था, कैसे उसकी कॉन्वर्जेशन चली इस के साथ, इन विच द टू टॉक्ड अबाउट वेरियस टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम टेक्निकल टू फिलोसॉफिकल इश्यूज, राइट। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है हुज नेम हैज बीन रिप्लेस्ड विद वन इन द पैसेज अबव। यहाँ पे देखिए, इन द जर्नल माइंड इन 1950 मैथमेटिशियन डैश प्रपोज्ड अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ मशीन वॉज केपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, अ गेम ऑफ इमिटेशन ऑफ सम ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस। तो अब स्टैटिक पूछ लिया है, लेकिन न्यूज में है, पर्टिकुलरली इसीलिए आया है कि कौन से मैथमेटिशियन ने इस जर्नल में 1950 में ये बोला कि एक मशीन एक्चुअल में ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है, राइट। सो ये पूछा गया कि कौन सा ये हमारा मैथमेटिशियन है। सो एलन ट्यूरिंग इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली अब इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। गैरी कास्परोव, देन वर्ल्ड चेस चैंपियन, वॉज डिफीटेड इन 1997 बाय अ सुपर कंप्यूटर इन अ चेस टूर्नामेंट। अब इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? रिलेटेड है, राइट। सिमिलरली द एम्परर्स न्यू माइंड कंसर्निंग कंप्यूटर्स माइंड्स एंड द लॉज ऑफ फिजिक्स पब्लिश्ड इन 1989 वॉज रिटन बाय अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन हु वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर 2020। तो हमारा आ गया प्राइजेस से, अवार्ड से, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला? हु वॉज दिस मैथमेटिशियन? काफी ज्यादा बेसिक है ये, तो सभी करके जाते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये इसी पूरे टॉपिक से यहाँ फुल फॉर्म पूछ लिया है, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस है, राइट। मेटाज न्यूली रिलीज्ड फुली ट्रेन्ड लार्ज लैंग्वेज AI मॉडल इज कॉल्ड। सब कुछ इसी से रिलेटेड घूम फिर के जो जनरल नॉलेज आपके करंट अफेयर्स में है, इफ यू हैव रेड अबाउट इट वेल एंड गुड, वरना इसको आंसर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं हर एक स्फीयर से करंट अफेयर्स आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल है, राइट, सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आ गया आपका FIFA, राइट, क्लियर। व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्म बैंड व्हिच हैज बीन रिप्लेस्ड विद वन इन द पैसेज अबव? एज अ रिजल्ट ऑफ FIFA's रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्लेयर्स वेयरिंग वन
रेनबो आर्मबैंड्स ड्यूरिंग द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर. The German Football Association has taken the matter to court of arbitration for sports. Right? Ki ab ye kya bol rahe hain? In a protest against FIFA's rule regarding the armband meant to support the dash community. So, two mein kaun si community hogi wo? Right? LGBTQ community. Right? Similarly, to aapko fill in the blanks karna hai. Right? Is tarike ke questions puche ja rahe hain wherein you have to fill in. Right? LGBTQ plus community. Right? And similar questions based on the topic. Fine. Who is the current captain of Indian men's football team? Ab FIFA se relate karke India ke bare mein pooch liya hai bhai, current captain kaun hai? Right? Aur ye court of arbitration for sport based kahan pe located hai? इस तरीके से अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ भी देख रहे हैं, आपने देखा कोई एसोसिएशन की बात हो रही है, राइट, किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, वो कहाँ पे हेडक्वार्टर है उसका, इस इतनी डेप्थ में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया, बहुत ज्यादा डेप्थ में. अच्छा जी, अब नाज डेली के बारे में आ गया. यूट्यूबर नाज डेली इन वन ऑफ हिज वीडियोस नेम्ड हिम एज द मोस्ट जेनरस बिलियनेयर हु वांटेड टू डोनेट ऑल हिज वेल्थ टू चैरिटी, बट 10 मंथ्स लेटर वन फिल करना है इज नो लॉन्गर अ बिलियनेयर. ही इज अलेज्ड टू हैव कॉज्ड मैसिव लॉसेस वर्थ $1 billion टू इन्वेस्टर्स नोन बाय हिज इनिशियल्स. ही इज को फाउंडर and former CEO of FTX, one of the biggest cryptocurrency exchange. So basically, again you have to fill in only if you have read about it. So sirf aur sirf ek solution hai, more and more reading. Jitna aap newspaper padhenge, jitne aap articles padhenge, jitne aap current affair apps download karenge, read karenge, utna aapko help hogi. Which person's name has been replaced with one in the passage above? राइट, पूरा आपको. आरबीआई रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल रुपी होलसेल सेगमेंट अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पूरा उसको पहले, अगर वो इंटरनेशनल टॉपिक है उसको इंडिया से भी वो रिलेट करते हैं. सो अगेन, इफ यू हैवंट रेड एनीथिंग, इफ यू आर नॉट रेफरिंग टू एनी सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले पॉलिटिकल क्वेश्चन, राइट, आपके अपॉइंटमेंट्स में आया, उसके बाद आपका आया साइंस एंड टेक पे, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इकोनॉमी पे आ गया, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, यहाँ पे हमारा आ गया एग्रीकल्चरल सेक्टर पे. तो कोई भी जो सेक्शन है वो नहीं छोड़ा जा रहा, राइट. नाउ वी हैव एग्रीकल्चरल बेस्ड पैराग्राफ. हु वॉज द फादर ऑफ द वीट रेवोल्यूशन? इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? What is India's ranking in 2022 Global Hunger Index? ये तो पढ़ते हैं सब, easy है, right? Similar questions. यहाँ पे हमारा जो current affair वाला है section वो हो जाता है खत्म. तो आप देख सकते हैं जो passages हैं कहाँ से उठाए गए हैं, ये economic times से है. So reading the newspaper, आपका सीधा सीधा source ही newspaper से क्लैट में दिया गया है, लेकिन सिर्फ वो एनफ नहीं है. पढ़ा हुआ तो पूरा पैसेज यहीं मिल गया है. आपको क्या करना है, उसमें जो भी आपको कीवर्ड लग रहा है उसका पूरा, यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा है तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, कौन से ईयर में आया, राइट, क्या नीड थी, राइट, कुछ ना कुछ तो होगा बैकग्राउंड, राइट. सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर, पहली बार कब वो बना, मतलब व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड, तो सारा आपको क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पैसेज को लेके जो कंसोर्टियम हमसे पूछे, उस वे में हमें इसको स्टडी करना है. इज इट क्लियर? परफेक्ट, राइट. सो आई वुड अगेन एडवाइज यू टू गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो हमारा चेंज पैटर्न है उसके हिसाब से, राइट, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर को पढ़ के खुद के क्वेश्चंस बना के तब हेल्प होगी आंसर करने में. जस्ट मियर रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर और एन आर्टिकल वोंट हेल्प यू, क्योंकि वो तो आपको यहीं पे गिवन है. उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन ऑल द स्फेयर्स, करंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट, उसको आपको निकालना है, अपनी एक रजिस्टर में लिखना है और फिर जाके यू विल बी एबल टू एस इन द क्लैट एग्जामिनेशन. क्लियर है? परफेक्ट.
एन अकेडमी एक बहुत ही अच्छा ऑफर लाया है आप सभी के लिए. फॉर ऑल द क्लैड एस्पिरेंट्स, वी अश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू क्लियर क्लैड एग्जाम विद एन अकेडमी. मतलब क्या है, अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में NLU नहीं हासिल कर पाए तो आपको 1 ईयर फ्री एक्सटेंशन मिलेगा अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन का, राइट. सो अगर आपने लिया है एप्लीकेबल ऑन प्लस 12 मंथ्स एंड अबव सब्सक्रिप्शन एंड ऑल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज, अगर आपने 1 ईयर या उससे ज़्यादा का कोर्स लिया है ऑन अन अकेडमी फॉर क्लैट प्रेपरेशन, तो आप अगर क्लैट 2024 के लिए एम कर रहे हैं एंड वो क्रैक नहीं कर पाते तो आपको क्लैट 2025 तक 1 ईयर एक्सटेंड हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन एंड 1 ईयर फ्री रहेगा. सो बेसिकली 2 ईयर सब्सक्रिप्शन मिलेगी, राइट. सो दिस इज द क्लैट अश्योर. क्लियर है, परफेक्ट. आगे देखते हैं. ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट आ गया है. यू कैन विन फ्री स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1.25 करोड़, राइट. जून 18 को है 2 PM. स्कैन करके सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. फ्री है. गो एंड एनालाइज, टेस्ट करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कौन से सेक्शंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है. क्लैट प्रिंटेड मॉक टेस्ट भी हम आपके घर तक पहुंचा सकते हैं. उसमें आपके सेक्शनल होंगे, 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड 10 फुल लेंथ प्रॉपर मॉक टेस्ट, राइट. सो सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. जून 2023 का कैलेंडर देखिए, 4th, 11th, 18th, 25th, 20th, 21, 22, 23, 24, सारे ही जो आपके मॉक टेस्ट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, राइट. सेक्शनल मॉक टेस्ट्स ये सारा प्लस में है. फ्री वाले केवल 2 हैं, 1 ऑन जून 4th एंड द अदर ऑन जून 18th. क्लियर है, दीज आर द फ्री वंस. आप जाके लिंक में देख सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. लेवल अप फॉर क्लैट जो फाउंडेशन बैच है सारे ही लॉ एंट्रेंसेस के लिए, वो जून 15th को शुरू हो रहा है, राइट. करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स सेशन बाय रघवेंद्र प्रताप सिंह सर से शुरुआत होगी. आप मेरा कोड लगा सकते हैं विच इज पूर्वा 2022, पूर्वा 2022, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट. सो दीज आर आर टॉप एजुकेटर्स जो आपको लेवल अप फॉर क्लैट में पढ़ाएंगे एज द फाउंडेशन बेसिक बैच. बिगिनर्स बैच फॉर क्लैट 2025 एस लीगल है, राइट. यहाँ पे भी वी हैव आर टॉप फैकल्टी स्टार्टिंग फ्रॉम जून 15th. तो अगेन यू कैन गो एंड चेक इट आउट यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मेरा कोड लगा सकते हैं पूर्वा 2022. Then we have Mission Batch 2025 Integrated Batch. अगर आप बोर्ड्स के साथ साथ क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि आपकी क्लास 12th के बोर्ड्स भी सफ़र करें, आप दोनों डबल टारगेट रख के चल रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड कोर्स है, राइट. अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम जून 17th इसकी शुरुआत होगी इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर ट्री सेशंस बाय पूजा मैम से. यू कैन यूज द कोड पूर्वा 2022 टू एनरोल फॉर द सेम. So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it. And if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at An Academy CLAT. Let's crack it.